तो हे फ्रेंड्स, आज मैं इस वॉल पेंट करने वाली कलर से पेंटिंग करने वाली हूँ। तो गैस यहाँ पर देखिए बहुत सारा कलर है, जैसे कि डीलक्स का कलर है और एशियन पेंट्स का है और यहाँ पर नेवलैक का कलर भी है। तो यहाँ पर देखिए मैं हमारा सारा जो ब्रश है ये सब मैंने ले लिया है। इस ब्रश का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। और यहाँ पर हमारा पेंटिंग बोर्ड, मतलब जिस बोर्ड पर हम पेंटिंग करेंगे। तो गाइस, पेंटिंग शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस चलिए हम हमारा पेंटिंग शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार सा पेंटिंग करके दिखाऊंगा, जिसके अंदर दो पीकॉक होंगे। ठीक है, एक होंगे मेल पीकॉक और एक होंगे फीमेल पीकॉक, और दोनों पीकॉक एक पेड़ के ब्रांच के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, तो गाइस आज का जो पेंटिंग होगा ये भी बहुत ही शानदार सा, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल पेंटिंग होगा। तो गाइस जो लोग बिगिनर्स है, जो अभी अभी नया नया पेंटिंग सीख रहा है, तो उनसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस पेंटिंग को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आप जो पेंटिंग सीख रहे हैं उसमें मेरा उम्मीद है कि आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। तो गाइस देखिए, सबसे पहले जो पेंटिंग आज मैं कर रहा हूँ उसका जो बैकग्राउंड का जो कलर है, ठीक है, मतलब पीछे का आसमान का जो कलर है, वो मैं सबसे पहले यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, तो बैकग्राउंड का जो कलर है वो है पीला, मतलब शाम के टाइम का जो कलर होता है, इवनिंग टाइम का। मैं बैकग्राउंड का मतलब आसमान का कुछ उस टाइप का कलर में करने वाली हूँ। तो देखिए मैंने पीला कलर रेड कलर से, ठीक है, और ब्लू कलर से मैंने एक आसमान का जो कलर है ये मैंने कर दिया है। उसके बाद देखिए अभी हमारा जो पीकॉक है उसका एक स्केच मैंने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, तो जो स्केच है वो मैंने कलर से कर दिया है, एक छोटा सा मैंने तूली ले लिया है और उसके मदद से मैंने ये जो स्केच है ये मैंने कर दिया है। तो गाइस बहुत सारे लोग स्केच करते हैं पेंसिल से, लेकिन मैं पेंसिल से स्केच यहाँ पे नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो पेंटिंग बोर्ड है ये थोड़ा अलग तरीके का है। तो आप अगर नए हैं, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, तो आपको ये बात बता दूं कि ये जो पेंटिंग बोर्ड है ये मैं अपने घर में खुद बनाता हूँ पेंटिंग प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, और मेरे चैनल पर जितने भी सारे वीडियो से लगभग सारे वीडियो में मैंने इसी पेंटिंग बोर्ड का इस्तेमाल करता हूँ। तो आप भी अगर जानना चाहते हैं कि ये पेंटिंग बोर्ड मैंने अपने घर में कैसे बनाता हो, इसको बनाने में क्या क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इस पेंटिंग बोर्ड के बारे में। ठीक है, वहाँ पर मैंने दिखाया कैसे इस पेंटिंग बोर्ड को मैंने बनाता हूँ, मतलब सारे के सारे चीज़ मैंने दिखाया इस पेंटिंग बोर्ड के बारे में। तो आप अगर जानना चाहते हैं इस पेंटिंग बोर्ड के बारे में डिटेल्स में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है। ठीक है, तो आप अगर जाएंगे तो आपको उस वीडियो देखने के बाद आपको जितना भी क्वेश्चंस था या फिर जितना भी डाउट्स था मेरे इस पेंटिंग बोर्ड के बारे में, आपको पूरा का पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। और जो कलर्स मैं आज यूज़ कर रहा हूँ वो तो मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया है कि ये एक वॉल पेंट करने का कलर है, मतलब ड्यूलक्स, एशियन पेंट्स, ओके, नेरोलैक, जो भी वॉल पेंट करने का जो कलर है उस कलर से मैं इस पेंटिंग को कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं इस कलर से इस पेंटिंग को कर रहा हूँ तो आपको भी इसी कलर से ही ऐसा पेंटिंग मतलब कर सकते हो, इसके बिना आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आपके पास अगर एक्रेलिक कलर है, ऑयल कलर है, तब आप उससे भी ऐसा पेंटिंग कर सकते हैं। मतलब ये जो वॉल पेंट करने का जो कलर है इससे मैं सिर्फ पेंटिंग कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो तरीका है ये एक्रेलिक जैसा, ठीक है, वो क्योंकि मेरा बहुत सारा कलर्स का यूज़ होता है, मतलब मेरे को बहुत कलर्स लगता है, तो इसीलिए मैं इस वॉल पेंट करने का जो कलर है ये मैं यूज़ करता हूँ। क्योंकि ये जो कलर है ये आप अगर थोड़ा ज़्यादा पैसे लेकर पूरा एक डिब्बा खरीद देते हो तो उसमें आपको बहुत दिन चल जाएगा, जैसे कि मैंने किया है। मैंने
थोड़ा ज़्यादा पैसे देकर एक बार में एक एक डिब्बा खरीद लिया है और उससे मेरा बहुत सारा पेंटिंग हो जाता है, ठीक है। और ये कलर एक्रिलिक जैसा भी बिहेव करता है, मतलब आप इस कलर से एक्रिलिक जैसे भी पेंटिंग कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं ये कलर यूज़ करता हूँ। आप भी अगर चाहें तो ये कलर यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्रिलिक का जो डिब्बा है वो बहुत छोटे छोटे डिब्बे में आता है, इसीलिए आप 400-500 के अंदर एक्रिलिक कलर पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। लेकिन आप अगर ये जो मेरा जो वॉल पेंट कलर है इसको आप अगर खरीदते हो तो आपको एक एक डिब्बा भी 500-600 रुपये के अंदर आपको हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप ये समझ सकते हैं कि आपको अगर 10-12 डिब्बे चाहिए तो आपको कितने पैसे लगेगा। लगभग आपको करीब 6-7 हज़ार रुपया पड़ जाएगा सारे कलर्स को खरीदने में। लेकिन अगर आप इतना पैसा अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ये खरीद सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जो तरीके से मैं इस पेंटिंग को कर रहा हूँ वो एक्रेलिक टेक्निक से। तो आपके पास अगर एक्रेलिक कलर है, आपके पास अगर कोई पेपर है, कैनवास है, तो उसके ऊपर आप ऐसा पेंटिंग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हो, अब हम इस पेंटिंग की तरफ आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो स्टेप बाय स्टेप मैंने पेंटिंग यहाँ पर किया है वो कैसे किया है। सबसे पहले मैंने पीछे का जो आसमान है उसको पेंट कर लिया है, ठीक है। इवनिंग टाइम का जो आसमान होता है तो वैसा मैंने पेंट कर लिया है, सबसे पीछे वाला। उसके बाद मतलब आसपास के जितने भी चीज़ है, जैसा कि पेड़ है, पत्थर है, ठीक है, नीचे का जो फ्लावर्स है, ये सारे के सारे चीज़ मैंने पेंट कर लिया है। और सबसे एंड में हमारा जो मेन चीज़ है, आई मीन पीकॉक, ठीक है, मतलब आज का पेंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है पीकॉक। तो इसीलिए ये पीकॉक अभी मैं सबसे एंड में पेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये जो पीकॉक है ये मैंने पहले स्केच कर लिया था और अभी जस्ट इसको मैं कलर कर रहा हूँ। तो जैसे कि पीकॉक का कलर होता है वैसे ही मैं कर रहा हूँ। और जो सामने वाला पीकॉक है वो मेल पीकॉक है, ठीक है, मतलब जो मेल पीकॉक होता है उसका पूंछ होता है बहुत ही शानदार सा, और जो फीमेल पीकॉक होता है उसका पूंछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फीमेल पीकॉक भी देखने में बहुत ही शानदार होता है, मतलब मेल पीकॉक सबसे अच्छा होता है लेकिन फीमेल भी देखने में बहुत ही शानदार होता है। तो देखिए, कुछ इस तरह से मैं पीकॉक को पेंट कर रहा हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। इससे पहले भी मेरे चैनल पर बहुत सारा पीकॉक का पेंटिंग है, और आप अगर वो भी ना देखे हो तो आप वो भी देख सकते हैं। मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जहाँ पर बहुत सारा बर्ड्स पेंटिंग का जो वीडियो है वो मैं वहाँ पर दे रखा है, क्योंकि मेरे को पर्सनली बर्ड्स पेंटिंग करने में मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जो पक्षी है वो नेचर का एक ऐसा प्राणी है, मतलब ये बहुत ही शानदार सा प्राणी है नेचर का। तो इसलिए मेरे को खुद में पर्सनली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पक्षी पेंट करने मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो और पीकॉक जो है पक्षी में एकदम मतलब बिल्कुल सबसे शानदार चीज़ है पीकॉक, तो इसलिए पीकॉक भी मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है पेंट करने में। तो जो भी हो, देखिए मैं कुछ बहुत ही सिंपल तरीके से मैं पीकॉक को पेंट कर रहा हूँ। और जो लोग बिगिनर्स है, मेरा उम्मीद है कि जिस टेक्निक से पीकॉक में पेंट कर रहा हो वो उनको समझ आ रहा है। अगर किसी तरीके से उनको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे पीकॉक का पेंट किया है, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक वीडियो में ही आपको सारा तकनीक मिल जाएगा। हो सकता है कि मैंने इसमें कुछ मिस कर दिया हो जो कि पहले वाला वीडियो में है। तो आप अगर पीकॉक पेंटिंग करना सीखना चाहते हैं तो आप पहले वाला जो वीडियो है आप वो भी देख सकते हैं, ओके। तो देखिए, हमारा जो पीकॉक का जो पेंटिंग है वो लगभग जो मतलब जो कलर्स है, मोटा मोटा कलर्स, वो मैंने दे दिया है। अभी पीकॉक का जो फिनिशिंग है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, मतलब पीकॉक का जो पूंछ है, उस पूंछ में एक एक जो पंख है उसको हम करना पड़ेगा। तो वो पंख पेंट करने के लिए बहुत सारा कलर्स का चाहिए, जैसे कि ब्लू कलर, रेड कलर, येलो कलर। तो उन्हीं कलर से हम इस पीकॉक का जो पूंछ है उसमें ये सब कलर हम दे देंगे, ठीक है।
जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मैं दे रहा हूँ ब्लू कलर, ये ब्लू कलर है। आपको शायद ये देखने में ब्लैक कलर जैसा लग रहा है लेकिन ये ब्लू कलर है, डीप ब्लू, आई मीन पर्शियन ब्लू। उसके बाद देखिए इसके ऊपर ऊपर छोटा छोटा करके मैं रेड कलर का एक टच दे रहा हूँ, ठीक है। और जब ये रेड कलर का टच हम दे देंगे तो उसके बाद हम इस रेड कलर के भी ऊपर येलो कलर का हम टच देंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा जो मोर का जो पंख है ये हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए जब मैं ग्रीन कलर दिया था मोर के जो पूंछ है उसमें तो वो कैसा लग रहा था, लेकिन अभी जब मैंने ये जो रेड और ब्लू कलर दे दिया तो अभी देखिए कितना शानदार सा लग रहा है, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से आपको भी पेंट करना होगा, और ये जो तरीका है ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। तो ये जो पीकॉक है ये हम पेंट करेंगे, इसके बाद हमारा ये जो पेंटिंग है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस अभी देखिए हमारा ये जो पेंटिंग है इसमें सिर्फ ये जो मोर जिस पर बैठा हुआ है मतलब जो पेड़ है उसको हम पेंट करेंगे तो हमारा पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये देखिए हमारा पेंटिंग अभी कंप्लीट हो गया है। तो गाइज यही थी हमारी आज की पेंटिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज की ये पेंटिंग बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर से जाकर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।